आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और इस वीडियो में कवर करेंगे 6 से 10 तारीख के सारे करंट अफेयर। और अभी रिसेंट में सारा एग्जाम आने वाला है, बिहार का, एसआई का, या फिर 10+2 एसएससी वाला, या फिर सेंट्रल में जीडी वाला, लाइंस एग्जाम आने वाला है। और करेंट अफेयर कहीं ना कहीं आज की डेट में बहुत महत्व रखता है एग्जाम में। तो एक बार ना रिविजन करना कितने आंसर आपको पता है, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में लड़ने लायक है, ठीक है। तो कम से कम अपने आप को जज करिएगा। 6 से 10 अभी मिल जा रहा है, रात को 10 बजे आपको 11 से 15 सितंबर वाला मिल जाएगा, और सुबह में आपको 16 से 20 सितंबर, ठीक है। तो एक बार आप फटाफट एक बार देखो कितना आंसर आपको पता है। और हर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन ना मोती है एग्जाम के लिए, डायमंड है आप बोल सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, G20 सतत विकास जो हुआ है, वित्त कार्य समूह की बैठक जो हुआ है, इसका सम्मेलन कहां पर हुआ है। अच्छा, G20 को लेकर तो बहुत क्वेश्चन बनता है। एग्जाम पता है क्या बोलेगा, ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपको देगा एडिशन, ये चौथा एडिशन हुआ है, लास्ट अंतिम, पहला गुवाहाटी में हुआ था, लास्ट वाला कहां पर हुआ है बताओ। G20 का सस्टेनेबल फाइनेंसिंग फाइनेंस ग्रुप का जो सम्मेलन हुआ है चौथा, वो कहां पर हुआ है, वाराणसी में। एकदम याद रखना, पीडीएफ में डाल दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट सबसे जल्दी लेने वाला भारतीय स्पिनर कौन बन चुका है। हालांकि क्रिकेट में सभी इंटरेस्ट लेते हैं आज के रेट में, तो फोटो देख भी चुके हैं, कुलदीप यादव, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे, और एक बार और अपने आप को जज भी करना, ये नहीं कि हम फटाफट बता भी रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड में, आपको बस आंसर देना है दिमाग में। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 23 किस राज्य ने जीता है, कौन जीता ये वाला, महाराष्ट्र, किसको हराकर, कर्नाटका को हराकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है, यानी ऑस्ट्रेलिया में भारत के तरफ से अगला उच्चायुक्त कौन होगा। एकदम नाम याद रखना, गोपाल बागले, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। चार ऑप्शन एग्जाम में रहेंगे, क्वेश्चन सेम, क्या बोलोगे आप सभी। अब हालांकि फोटो तो नहीं रहेगा, यहां पर आप देख सकते हो महिला, क्या नाम है इनका, मिता वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ये क्वेश्चन सबको आंसर पता है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस, तो 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर मदन लाल रेगर, इनको किस देश का अगला राजदूत बनाया गया है भारत की तरफ से, कहां के लिए, तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर विश्व व्यापार एक्सपो का चौथा संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, या फिर ये आयोजन कहां पर होगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। व्यापार को लेकर जितने भी सुझाव हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन सब इस सम्मेलन में आने वाले हैं, तो जो एक मेला लगेगा ना विश्व व्यापार को लेकर, वो कहां लगेगा इस बार, और फोर्थ एडिशन, तो ये लगने वाला है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन सरपंच संवाद लॉन्च किया गया, जितने भी सरपंच है वहां राज्य में, गांव के हर सरपंच जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, तो लॉन्च कौन राज्य सरकार किया है, आसाम, असम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पर प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस डेमोक्रेसी डे हर साल कब मनाते हैं, 15 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल एग्जाम में पता है क्या पूछेगा, सितंबर के महीना में किस जगह को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया, चार ऑप्शन आपके सामने, क्या बोलोगे। एकदम याद रखना, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को, ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्र टैगोर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर यशो भूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया, एक सेंटर बनाया गया बहुत बड़ा है, यहां पर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, यानी बोल सकते हो एक हॉल बनाया गया है, कोई भी मीटिंग करना हो, कोई भी सम्मेलन करना हो, तो यहां पर आराम से कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा सेंटर हॉल बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है यशो भूमि। ये सेंटर कहां पर खोला गया है, नई दिल्ली में,
ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो कितना है, बोले थे ना नाई के लिए लोहार के लिए सबके लिए सरकार जो है एक चला रही योजना, बताए थे ना विश्वकर्मा योजना, उसमें कम उम्र क्या चाहिए 18 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, क्रिकेट एशिया कप कौन जीता है, सबको पता है श्रीलंका को हरा कर इंडिया जो है इस बार का एशिया कप जीता है, और ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था आपका श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, लॉर्ड श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम, अच्छा एक बोले थे ना एक गार्डन टाइप पर बनाया गया है, आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं पहले अगस्त के महीने में अंतिम दिनों में, ये जो किया गया है शुरू किस राज्य में, हालांकि दिख रहे हैं होंगे आपको सिंधे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, इस योजना का तो बहुत चर्चा है पूरे देश भर में, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कहां, मध्य प्रदेश का योजना है ये वाला, और ये नया नहीं है, ये पहले बहुत पुराना है, दोबारा से इसको इस योजना पर फिर से जोड़ दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाँ शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, बताओ कौन है ये, याद रखिएगा एला वेनिल वेलारिवन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत प्रशांत सेना प्रमुखों के सम्मेलन हुआ इन लोगों का, इंडियन पैसिफिक के जितने भी आर्मी जितने भी कंट्री है उनके जितने भी आर्मी के ऑफिसर हैं उनका जो सम्मेलन हुआ वो कहां पर किया गया आयोजन, इसका नई दिल्ली में, इस आयोजन में हमारे देश के रक्षा मंत्री मौजूद थे राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, संस्था है ना, संस्था का नाम क्या है आपका, संस्था का नाम है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन, संस्था है इसका नया प्रबंध निदेशक या सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, नाम याद रखना आप सभी, धनंजय जोशी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस कंपनी ने आगामी जो विश्व कप चल रहा आईसीसी इसके लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है, टीम इंडिया का जर्सी ध्यान से देखना इस वर्ल्ड कप में, एडिडास इस कंपनी ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, स्किल ऑन व्हील पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सीजन के लिए आधारित अधिकारी भाग, अच्छा जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट होंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी या फिर इंटरनेशनल जो भी गेम होगा भारत का, उसके तौर पर ना जो स्पॉन्सर बना है बीसीसीआई का वो कौन बना है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, अच्छा यहां बात कर रहा है आप सभी का वेल का। ठीक है, जो वेल बहुत बड़ी कंपनी देश की, इस कंपनी का निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तेजेंद्र गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के नागरिक के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दिया, कनाडा, बड़ा चर्चा का विषय रहा है पूरे मीडिया भर में बवाल चल रहा है, कनाडा के प्रधानमंत्री अपने संसद में बुराई भी किए थे भारत को लेकर, पता है इसके बाद भारत जो है वो वीजा कैंसिल कर चुका है। अगला क्वेश्चन सिम्बेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ये किन दो देशों के बीच का अभ्यास है सिम्बेक्स, तो भारत और सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 23 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है, अंतिम फंगाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, बहुत बड़ा फिल्म के इंडस्ट्री में बहुत बड़ा संस्थान, इस संस्थान का गवर्निंग काउंसिल जो है ना उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, कौन है आप जानते भी नहीं होंगे, सुरेश गोपी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, आर माधवन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एक बार, क्वेश्चन क्या बोला है, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान का जो गवर्निंग काउंसिलिंग है उसका अध्यक्ष कौन बना है, सुरेश गोपी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस भारतीय मूल के लेखक के उपन्यास,
वस्टलेनकोव, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इनका जो कविता है उनको याद रखना, वस्टलेन, ठीक है, इनका नोवेल, इनके लिए ना बुकर पुरस्कार 23 के लिए चुना गया, इनका नाम क्या है, नाम एकदम याद रखना, चेतना मारू, ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर, युद्ध अभ्यास, भारत सेना और किस सेना के बीच में युद्ध अभ्यास जो है होता है आयोजन, किसका, भारत और अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एशियाई विकास बैंक ने अफगानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए ताकि वहां के हालात जो है फिर से बहाल हो सके, सुधर सके, एशियाई विकास बैंक ने सीधे सीधे कितना का लोन दिया है, ऋण दिया है अफगानिस्तान को, 400 मिलियन डॉलर का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गृह लक्ष्मी महिला वित्त सहायता योजना शुरू की है, महिलाओं को सहायता करने के लिए, गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार का है, एग्जाम में बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा, कर्नाटका का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नव मित्रा उपकरण शुरू किया है, एक डिवाइस चालू किया गया है, ठीक है, ताकि इस डिवाइस से जो भी मछुआरे हैं उनका पूरा निगरानी रख सके, ताकि वो डूब ना सके, उनका सुरक्षा के लिए एक पोर्टल, एक उपकरण, पोर्टल बोला, उपकरण बनाया गया, डिवाइस, ये डिवाइस बनाने वाला कंपनी कौन है, इसरो, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा बनाए रखते हुए स्थानीय स्वशासन संस्थान में, यानी वहां के जितने भी कार्यालय है, जितने सचिवालय है राज्य में, जो भी सरकारी नौकरी, जो भी भर्ती होंगे उसमें ना, उन लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की है, ये कौन किया है, गुजरात राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत ने हाल ही में नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ हाथ मिलाया, सिंपल क्वेश्चन बोला बाबू, सिविल एविएशन के क्षेत्र में बढ़ावा के लिए भारत ने किस देश के साथ हाथ मिलाया है सितंबर के महीने में, न्यूजीलैंड के साथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एआई जो कॉन्फ्रेंस हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर, इसका सम्मेलन कहां पर हुआ है, 23 वाला, भारत में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित किया है, एक टॉयलेट बनाया गया जगह जगह, इसको बोला जा रहा है पिंक टॉयलेट लेडीज के लिए, ये पहल कौन चालू किया है, कौन सी राज्य सरकार, त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वित्त उद्योग विकास परिषद यानी फिडिक का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, उमेश निवांकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है, क्वेश्चन याद रखना, गीतिका श्रीवास्तव, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल भारत में 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाते हैं हर साल, इस साल का विषय क्या दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में विषय बाबू सेम रहा है, इस बार का विषय क्या है, हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल, ये विषय दिया गया है। तो ये था आपका फटाफट करंट अफेयर 6 से 10 तारीख तक का ना, हाँ, रात को 10 बजे आपको 11 से 15 सितंबर का भी मिल जाएगा, ठीक है, और कल सितंबर अक्टूबर लगभग खत्म कर देंगे, कल पूरा खत्म कर देंगे, अक्टूबर भी कोशिश करेंगे पूरा फेंक दे खत्म करके, ठीक है, अक्टूबर पूरा नहीं मतलब 10 तारीख तक का पूरा कल तक अपडेट आपको मिल जाएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा आप सभी।